अच्छा आ रही थी क्या? त्र्यंबकेश्वर की यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। कौन से ऋषि थे वो जिनको श्राप लगा था और उनकी वजह से त्र्यंबकेश्वर बनना था? आज की तारीख है 23। यहाँ देखो मोड़ पे ही होंगे, वहां रोक लेना। हाँ और क्या, पिला के फिर खींच दो गाड़ी को, एकदम से बनवा दो उससे। एक वो मेरा काम है, वो भी ले लेता हूँ, उसके मेरे को उसके फोटो ले और ले आता हूँ। ये हम गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ गन्ने का जूस थोड़ा अलग ही तरीके से निकाला जाता है। बेल को यूज किया जाता है कच्ची घाणी की तरह, जैसे अपन तेल निकाला करते थे उधर राजस्थान में। ये कच्ची घाणी है, इसके चारों तरफ ये बेल, कोलू का बेल बोलते हैं जिसको, ये चलता रहता है और इससे गन्ने का रस निकलेगा। आगे जा खड़े हो, और ये पूरा सिस्टम थोड़ा राजस्थान से अलग है यहाँ गन्ने का जूस निकालने का। देखते हैं क्या है वो सब चीज़ें। नहीं बर्फ का नहीं देते, सादा ही देते हैं। बर्फ का तो पागल पीते हैं आदमी, तो बिना बर्फ का ही पीते हैं। तो बिना बर्फ का बना, और इसमें बनाते हुए दिखाया यार हमारे को, वीडियो बनाना है। होते ना ये देखो बैल ने पेशाब कर दिया है। ये थोड़ा तरीका अलग है जूस निकालने का, भाई अपने ऑन द स्पॉट पहुंच चुका है और बैल अभी रवाना होने वाला है गन्ने का जूस निकालने के। ये अजब तरीके हैं। ये देखो ऑलरेडी उसने इशारा समझते ही शुरुआत हो चुकी है। कितने डालूं? कितने, 8 गिलास हैं, 8 बंदे हैं सारे एक साथ ही, हम तो अलग अलग थोड़ी हैं। 9 गिलास निकाल। ये अंकल जी आने के बाद ये गन्ना ऐसे इसके अंदर डाला जाता है। और बहुत ही शानदार नज़ारा, ये गन्ना इसके अंदर डालते हुए। अरे YouTube पे डालेंगे इसको। और एक ही बार में पूरा गन्ना अच्छे से जूस निकलते हुए। ये हम हैं सनी सिंगनापुर, महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद नासिक के आसपास, शिरडी से 70 किलोमीटर आगे। और यहाँ गन्ने का जूस निकालने का थोड़ा सिस्टम अलग है, वो आप लोगों को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी किस्मत है कि हम लोग आज यहाँ पहुँचे। ये देखो देवस्थान, श्री शनि देवस्थान, श्री क्षेत्र शनि सिंगनापुर। ये हमारी गाड़ी पार्क की हुई है जस्ट बिल्कुल इस सिस्टम के आसपास में। पुराने ज़माने में सरसों का तेल भी ऐसे ही निकाला जाता था सरसों से, इसको कच्ची घाणी भी बोलते हैं। बहुत ही लकी बना बोल रहे हैं हमारे, बहुत ही तगड़ा सिस्टम है ये। ऐसा सिस्टम उधर नहीं है, मशीनें यूज होने लग गई है, इलेक्ट्रिक वाली मशीनें भी यूज लेने लग गए आजकल तो। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये शक्कर की फैक्ट्री में जाता हुआ सीरा, जिसको बोलते हैं सीरा एसिड एसिड। ये इधर इन्होंने अपने गन्ने, ये बैल बड़ी उदास मुद्रा में चलते हुए।
ये इधर ग्राम पंचायत सनी सिंगनापुर, मूली वाचवा मूली शिकवा गन्ने पड़े हुए हैं, एक गन्ने काटने का हथियार